अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज डिनर में तहरी का प्रोग्राम हो रहा था तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करूं। बनाते बनाते बातें भी हो जाती हैं और जो है हम थोड़ा सा रूटीन से हटके भी बोरियत दूर हो जाती है। तो मैंने ये 2 स्पून जो है दही ऑयल ले लिया है। इसमें मैं 2-4 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 सिनेमन का पाउडर, जायफल और 1 तेज़पत्ता डालूंगी। अब जो है चावल मैंने भिगो दिए हैं। ये 3 कप चावल है, 1/2 kg मेरी चिकन है, 2 टमाटर हैं और 1 बड़ी साइज़ की प्याज मैंने जो है ना काट लिए, 2 टमाटर हैं और दही इसमें शामिल होगा। थोड़ी सी प्याज मैं रायते के लिए बचा रही हूँ। दही, चिकन और प्याज ये थोड़ी सी मैंने रायते के लिए बचाई है, उसको मैं स्टॉक टाइप का कर रही हूँ। काफ़ी लेट डिनर हो रहा है, पूरी रूटीन ही डिस्टर्ब है। नाश्ता, दोपहर का लंच, आफ्टरनून में हो रहा है, फिर शाम को अगर कुछ आज जैसे ड्रम स्टिक और बच्चों ने वेजिस खा लिए थे तो भूख भी ख़त्म हो गई थी, तो अब आधी रात को भूख लग रही है। 2 बज रहे हैं और मैं डिनर बना रही हूँ। फजर से पहले कोई सोएगा नहीं, फजर की नमाज पढ़ के ही सब सोते हैं। जिसको रोज़े रखना है वो रोज़े रख रहा है। हमको प्याज ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है और थोड़ा सा मैं और ऐड कर रही हूँ तहरी में, थोड़ा सा ऑयल अच्छा लगता है। इसमें मैं चिकन शामिल कर दूंगी। हाथ धोने की ऐसी आदत पड़ गई है कि बस खाना पकाने से तो पहले धोती हैं लेकिन खाने के दरमियान भी मैं पता नहीं कितनी दफ़ा हाथ धो लेती हूँ।
प्याज काटी हाथ धो लिया, चिकन काट धोई हाथ धो लिया। ऐसी आदत पड़ रही है हाथ धोने की कि बहुत मुश्किल से ही जाएगी। रायते के लिए मैंने थोड़ी सी टमाटर और प्याज को चॉप कर लिया है। ये टमाटर मैं तहारी में डालूंगी। चिकन तकरीबन हो चुकी है, मैं इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। इसमें जाएगा 1/2 स्पून नमक, 1 स्पून 1 टेबल स्पून लाल पिसी मिर्च, 1/2 स्पून हल्दी। क्यूब का स्टॉक मेरे पास ख़त्म हो गया था तो फिर मैंने ग्रोसरी करी तो ये भी ले आई। एक में ये शामिल करूँगी। धनिया ज़ीरा मैं कुछ भी इसमें शामिल नहीं करूँगी और बस अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। पहले थोड़ा सा दही शामिल करूंगी फिर टमाटर डालूंगी। मैं दही नहीं डालती थी लेकिन मैंने एक चैनल पे शानजे के चैनल पे मैंने तहरी की रेसिपी देख रही थी तो शानजे ने कहा था कि अगर इसको जो है तहरी में टेस्ट अच्छा चाहिए तो जो है दही डालना चाहिए, तो आज मैं ट्राई कर रही हूँ। मैंने आज तक कभी दही नहीं डाला। मैं टमाटर भी शामिल कर रही हूँ। तो अगर मुझे वाकई ये दही के बाद बहुत अच्छी लगी तहरी तो फिर मैं जो है उनको कमेंट्स में बताऊंगी कि मैंने आपका तरीक़ा से ट्राई किया है तो फिर जो है तहारी तो वैसी ही बहुत मज़े की बनती है। चिकन की तहारी अगर इससे और मज़ेदार बन गई तो फिर मैं उनको थैंक्स
कहूँगी कि उन्होंने बताया, अपनी रेसिपी शेयर की, जिसकी वजह से बहुत इंजॉय किया। इसलिए कि बच्चे वगैरह सब तारी शौक से खाते हैं। एक पत्ता का फूल भी उसमें शामिल करें। सालन तहरी का मसाला भी ड्राई होता है इतनी देर में। मैं 2 स्पून दही लेके में थोड़ा सा सॉल्ट, 1/2 स्पून से भी कम, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, शामिल करूंगी। और ये जितने मैंने काटे थे टमाटर और प्याज, इसमें मैं खीरा भी डालती हूँ, लेकिन वो आज मैंने खीरे के लिए 2 दफ़ा मैंने उसको लेना चाहा और पता नहीं मैं किस चक्कर में ना उठा सकी। आप इसमें चाहें तो बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी शामिल कर सकते हैं। मैं सिर्फ ज़ीरा कर रही हूँ, इसलिए कि हरी मिर्ची मुंह में आती है और मेरे पास स्पाइसी ज़्यादा नहीं पसंद किया जाता। बस ये रेडी है, जब खाएंगे तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर लूँगी, जितना पतला। तहारी में आलू भी शामिल कर सकते हैं और चिकन भी, लेकिन मैं कहती हूँ कि चिकन की सिर्फ तहारी इसलिए अच्छी लगती है मुझे कि चिकन की सिर्फ तहारी का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर आप सब्ज़ी ही शामिल करना चाहते हैं तो मैं कहती हूँ कि सब्ज़ी का पुलाव अलग से बना लें। मैं चावल डालने लगी हूँ, सालन आप देखें तेल छोड़ चुका है। हरी मिर्ची मैं शामिल नहीं कर रही इस टाइम पे, आप हरी मिर्ची भी शामिल कर सकते हैं, बहुत तेज़ हो जाता है। मैं आखिर में डालूँगी दम पे। जितने चावल हैं, 3 कप चावल है तो 6 कप पानी से ही पकेगा। इस टाइम आप इस पे गरम मसाला भी शामिल कर सकते हैं और हरी मिर्ची, हरा धनिया सब इस पे डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास तेज नहीं खाया जाता तो हरी मिर्ची मैं दम पे डालूंगी। और जो है हरा धनिया तो मैं यूज़ कर ही नहीं रही आजकल,
इतना धो के इतना, फिर वो 2-3 दिन में ख़राब हो जाता है, तो आप इसको इतना स्टोर नहीं कर सकते। और जो है अगर 1 हफ़्ता बहुत मुश्किल से चले तो मतलब बहुत ज़्यादा चल जाए, वरना तो फिर ख़राब हो जाता है। और हरी मिर्ची मैं इसको दम पे डालूँगी, और गरम मसाला मैंने इसमें नहीं डालना, आप डालना चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। चावल का पानी ड्रायर हो गया है, आप देख सकते हैं शक्ल। हरा धनिया और गरम मसाला भी इस वक्त डाल सकते हैं। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, दम पे दे रही हूँ मैं इसको। चले नाजर, ये स्टीम हो गई है, अब मैं फ्लेम ऑफ करके इसको डिश आउट कर रही हूँ। कलर देखें इसका आप, चावल देखें, बिल्कुल खड़ा खड़ा चावल है। कलर देखें इसका, इसको आप जितना स्पाइसी चाहें अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। और इसमें और किसी ख़ास मसाले, धनिया ज़ीरा मैं नहीं डालती, सिर्फ मैंने इसमें नमक मिर्ची हल्दी डाला है, 1 तनौर की क्यूब ली है, और मैंने अब के सिर्फ जो है ना दही का इजाफा किया, वरना मैं सिर्फ टमाटर से बनाती हूँ, वो भी बहुत टेस्टी बनती है। लेकिन एक शान से हैं, उन्होंने ब्लॉग बनाया था, उसमें उन्होंने दही ऐड किया था और कहा था ट्राई कीजिए, तो आज मैंने ट्राई की थी दही को ऐड किया। टेस्ट करके मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसी बनी, और जो है इसका जो है टेस्ट टमाटर से ज़्यादा अच्छा आया है या टमाटर का ज़्यादा अच्छा था। और अगर बहुत अच्छा है तो मैं उनको थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने अपनी रेसिपी शेयर करी। और जो है हमारे 3 अफराद पे ये डिनर है, तो 3 अफराद के लिए 3 कप छोटे स्मॉल वाले, तो वो मैंने, और 1/2 किलो चिकन, तो ये ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी रेसिपी। रायता में मैंने प्याज और टमाटर डाल के ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्च नमक शामिल किया है, सिंपल सा है, स्पाइसी नहीं है। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची भी बारीक काट के शामिल कर सकते हैं। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।